हरी अरुण जो है विटामिन डी ले रहे हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं, प्रेम आलाप कर रहे हैं और प्रेम हमेशा नफरत से अच्छी चीज है। यूट्यूब में हमारे पास आया है क्रिएटर स्टूडियो का, मंथली आता है ना, 3 मिलियन मिनट्स दिए हुए हैं, और 7,000 से ऊपर लाइक किए हैं, 5,000 से ज़्यादा जो है वो वीडियो शो लिस्ट में, प्ले लिस्ट में है, और 9,000 सब्सक्राइबर एक महीने में है। तो कह रहा है कि YouTube का मिशन है कि पूरी दुनिया में प्रेम का प्रचार करिए, लव। यस, प्रेम का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, हम प्रेम ही करते हैं, हम किसी से लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं। हाँ, और जिनके वीडियो हैं ट्रेनिंग के लिए बुला रहा है कि आ जाइए, सो आप लोग लव फैलाइए पूरी दुनिया में, मैसेज ऑफ लव होना चाहिए, और एक्सट्रीमिज्म और ये सब टेररिज्म ये सब दुनिया को विनाश कर रहे हैं, और इसका सफाया करने के लिए इसका अस्त्र एक ही है, वो है प्रेम, प्रेम का संदेश फैलाइए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रेम ही सब कुछ करता है, और प्रेम जबान से आता है, दिमाग से आता है। अब किसी को अब्यूज़ करते रहिए तो कोई तो घृणा ही तो करेगा ना दूसरे से, और जो भी कोई अब्यूज़ करेगा उससे आदमी घृणा ही करेगा और गुस्सा ही आएगा उस पर, तो क्या फायदा। कुछ लोगों को, कुछ देश में दूसरे को गाली देना, नीचा दिखाना, ये इसमें उनको मजा आता है, क्योंकि उनकी समझते हैं कि हम इससे ऊपर उठ रहे हैं। हाँ, उनकी जिंदगी में कभी सम्मान नहीं मिला, कभी वो वेल ट्रीट नहीं हुए क्योंकि उसके काबिल ही नहीं रहे, तो इसलिए इंटरनेट मिल गया है तो गाली बको दूसरों को, हर किसी को, और गंदी गंदी गालियाँ दो और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करो, उनके हर चीज़ों का मजाक उड़ाओ, हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा उनकी समझ ही नहीं है, कोई पढ़े लिखे तो होते नहीं है, थोड़ा बहुत बस इंटरनेट पर चलाना आ गया, अंग्रेजी भी नहीं आती है, शब्दों को इस तरह से लिखते हैं कि हंसी आती है, इसलिए नहीं कि वो स्टाइल है उनका, उनको लिखने ही नहीं आता, इन्जॉय को IN लिखते हैं, IN से इन्जॉय लिखते हैं, क्योंकि वही पढ़ना जानते हैं, वही जानते हैं, ऐसे लोग ही तो बने हैं। इसलिए हम तो प्रेम का पाठ, हम तो प्रेम करेंगे, प्रेम फैलाएंगे, हमारे दर्शक हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो देखते हैं अप्रिशिएट करते हैं, और YouTube भी हमें सपोर्ट करता है।